हेलो एवरीवन, वेलकम टू रानीज गुड फूड। आज हम बनाएंगे चीज़ी आलू की टिकिया। मैंने आलू लिए हैं दो, जिसे मैंने उबाल कर छिलका उतार लिया है। ये मोज़ेरेला चीज़ है 50 ग्राम। ये ब्रेड क्रम है, ये ताजे वाला ब्रेड है, इसे मैंने मिक्सी से निकाल लिया है। ये पेरी पेरी हर्ब है 1 टीस्पून। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो यूज़ कर लेना, नहीं तो स्किप कर देना। फ्राई करने के लिए तेल, ये बारीक कटी हुई प्याज छोटे साइज़ की एक, हरा धनिया थोड़ा सा, हरी प्याज थोड़ी सी, हरी मिर्च एक बारीक कटी हुई, ये कॉर्नफ्लोर है 1 चम्मच, ये मैदा है 1 चम्मच, ये फिर से कॉर्नफ्लोर है, इसे हम पानी मिक्स करके इसका घोल बना लेंगे। नमक अपने स्वाद के अनुसार या 1/2 चम्मच। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, ये चीज़ है मोज़ेरेला, इसमें हम ये पेरी पेरी हर्ब्स मिला लेंगे, प्याज, हरी मिर्च, हरी प्याज, हरा धनिया, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा 1 चुटकी नमक ऐड कर लेंगे। इसको एक साइड में रख लेते हैं। आलू ले लेंगे, आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे। आलू में थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा मैदा। मैंने 1-1 चम्मच लिया था, इसमें आलू में 1/2 चम्मच लग रहा है। आधा चम्मच नमक डालेंगे। इसको अच्छे से आटे की तरह गूंद लेंगे। ये बाकी का जो मैदा है वो भी डाल देंगे। इसको अच्छे से गूंद लेंगे। चलिए, इसे मैंने थोड़ा सा पानी का हाथ लगाकर अच्छे से गूंद लिया है। अब इसमें से हम एक थोड़ा सा इतने साइज का गोल पेड़ा ले लेंगे। इसको थोड़ा उंगलियों से ऐसे बढ़ा लेंगे। और ये जो हमने चीज़ का मिक्सर बना के रखा था, इसको हम इसके अंदर भर देंगे और इसको अच्छे से बंद कर देंगे। ये देखिए, ये अच्छे से बंद हो गया। चलिए, इसी तरह से मैं पूरे बना लेती हूँ। चलिए, इस तरह से मैंने ये टिकिया बना लिए हैं। अब इस कॉर्नफ्लोर में हम थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसका अच्छा सा घोल बना लेंगे। घोल तैयार हो गया। अब ये टिकिया हम इसमें रखेंगे और ये ब्रेड क्रम में ऐसे इसको लगा के ये देखिए। चलिए, इसी तरह से मैं सभी कर लेती हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैंने पूरे तैयार कर लिए हैं।
चलिए अब हम तेल गरम रखते हैं। मैंने लोहे की कढ़ाई में तेल गरम रखा है। चलिए देखते हैं तेल गरम हो गया है क्या। हाँ तेल गरम हो गया है। चलिए अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। गैस का फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं मीडियम। बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो तेल ये जल जाएंगे। अगर मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और थम्स अप करें। ये टिकिया बच्चों को बहुत पसंद आती हैं, आप एक बार ट्राई करना। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं तो ये फट जाते हैं तेल में। चलिए सब इसी तरह मैं फ्राई कर लेती हूँ। थोड़ा सा गैस का फ्लेम बढ़ा लेती हूँ। ये देखिए मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं। चलिए इसकी प्लेटिंग करते हैं। ये टमाटो सॉस है, होममेड टमाटो सॉस है ये। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर पहले से अपलोड है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ये देखिए एक को हम तोड़ लेते हैं। देखिए खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, एक बार ट्राई करना। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरी रेसिपीज़ फ्रेंड्स रिलेटिव्स में ज़रूर शेयर करना और सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो ना चेंज करें।